सुनने में आया कि हमारा दूसरा धोखेबाज में यूं ही चला गया है। और ये जो अभी अभी किया है धोखेबाज, उसकी खासियत है, जो अभी अभी धोखेबाज गया उसकी एक बहुत अच्छी खासियत है कि वो जहां जाता है वहीं गड्ढा खोदता है। इसलिए सावधान हो के नहीं हो, आपके एक वोट से लाखों वोट से तो राहुल गांधी जी जीतेंगे ही जीतेंगे, लेकिन इन धोखेबाजों से भी हिसाब किताब होगा। मैंने सुना है कि कोई धोखेबाज जो समाजवादियों को धोखा दे करके अपने घर पर दो नंबर वाले नेता को बुलाया था, कौन से नंबर वाले नेता को? अरे भाई मैं नहीं बोल सकता, दो नंबर ही नेता। तो इसलिए रायबड़ी वालों और समाजवादियों, ये आपकी भी परीक्षा है कि अगर कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है तो 5 लाख से ज्यादा वोट जिताने का काम करना। इसलिए आप सबसे मैं अपील करने आया हूं, ये चुनाव रायबरेली का पूरा देश देख रहा है, पूरे देश की निगाहें लगी हुई हैं, और विशेष हम अपने समाजवादी साथियों से कहेंगे जो यहां पर हैं सभा में और जो हमारे मंच पे भी साथी बैठे हैं, कि सब लोग मिलकर के कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी राहुल गांधी जी को ऐतिहासिक वोटों से जिता देना। और जब देश की बड़ी जीतों की गिनती हो, जब देश के बड़ी जीतों की गिनती हो, तो उस गिनती में भी समाजवादी और रायबरेली को शामिल कर देना। बताओ कितने वोट से जिताने जा रहे हो? उसके लिए घबराओगे तो नहीं आप लोग? सुना है बीजेपी का जो प्रत्याशी है वो भू माफिया है, और बहुत, बताओ बहुत धोखेबाज है कि नहीं है? अब मैं अपने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से पूछूंगा, बताओ आपको धोखा दिया कि नहीं दिया? समाजवादियों, आपको धोखा दिया कि नहीं दिया? ये जो समय समय पर बुलडोजर लेकर के चलते थे, बताओ अपने वोट का बुलडोजर चलवाओगे कि नहीं चलाओगे? और अगर आपको बूथ पे रोके तो रुक तो नहीं जाओगे? ये रायबरेली वाले हैं, बूथ का रास्ता ढूंढ लोगे कि नहीं ढूंढ लोगे? ऐसा तो नहीं कि अगर आपको रोके तो आप रुक जाओ? इनको अपना बूथ तो नहीं लूटने दोगे? अब डॉक्टर बनने का सपना करें साकार नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल से। नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल एक्रेडिटेड बाय IAO एंड एफिलिएटेड विद वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड त्रिभुवन यूनिवर्सिटी लिस्टेड इन WHO। अरे ये गाड़ी किसने लगा दी यहाँ पे, अब क्या करूँ? अरे यहाँ तो ऑटो फायर का स्टिकर लगा है, इसके QR को स्कैन करके मैं इसके ऑनर को इन्फॉर्म करता हूँ ताकि वो अपनी गाड़ी यहाँ से हटा ले।
अच्छा आप ही हैं क्या जिन्होंने ये ऑटो फाइल का QR स्कैन करके मुझे मैसेज किया था? अच्छा सॉरी, माफ कीजिएगा, मैं अभी अपनी गाड़ी हटा लेता हूँ यहाँ से। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।